गांव में अगर ये देखिए ये पौधा भी लगा है यहाँ पे, तो गांव में अगर जो है आप ये कैमरा लेके यहाँ पे घूमने लगे ना, तो कुछ लोग एक लोग आए थे तो बोल रहे हैं कि अरे सरकार के तरफ से कुछ आया है क्या। ना भाई, सरकार के तरफ से कुछ नहीं आया, हम ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे लोग पूछने लगेंगे कि आप मतलब क्या कर रहे हैं, यही है। तो चलिए, हेलो भाई लोग, नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार और आप देख रहे हैं अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार बीवी की राय से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम हैं अपने पीछे, आप व्यू देख सकते हैं, ये कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है, ये चारों तरफ देख रहे हैं, पीछे पीछे पूरा अभी जो है इधर, और इधर छोटा भाई है मेरा, और इधर देख लीजिए आप पीछे का व्यू, ये जिधर देखिए उधर जो है पीला पीला ये सरसों का फूल जो है ये हुआ है, और यहाँ सरसों का खेत है, ये आपको आगे दिखाते हैं। और अभी आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और चलिए आगे चल, ये देखिए अभी चल रहे हैं आगे, आपको और सब सब्जी दिखा रहे हैं इधर खेतों में। और ये देखिए अभी ये पीछे जो है, पीछे का व्यू जो आ रहा है, इधर पोखरा है, इधर पीछे वाले साइड में इधर सब ताल है, इधर देख सकते हैं आप, इधर बहुत बड़ा ताल है, बढ़िया व्यू लग रहा है, आपको बैक कैमरे से एक बार दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये सरसों का फूल कितना बढ़िया दिख रहा है, और ये देखिए इतना हरा भरा इसमें जो है एकदम घना सरसों है, इधर आप देख सकते हैं, इधर पूरा सरसों का खेत आपको लहलाता हुआ दिख रहा है, क्या मस्त लग रहा है। वो इसी सरसों से जो है सरसों का तेल ऑयल निकलता है, और इसी का जो है इसमें से जो खली निकलता है वो गायों को खिलाया जाता है। तो ये है सरसों, और आगे चलते हैं, और इधर जो है और इधर सब सब्जी बोया गया है और सब्जी लगाए हुए हैं, और कुछ अपना भी चल रहे हैं दिखाने आपको, आगे देखते रहिए आप। ये देखिए इसमें बथुआ का साग जो होता है, ये बथुआ भी है, और ये आपको पास से दिखा रहे हैं, और ये बथुआ भी है बड़ा बड़ा, ये देखिए ये ज़्यादा बड़ा सही नहीं लगता, अब ये छोटा छोटा है ना, तो इसको ये उखाड़ेंगे, और ये देखिए ये साग जो है अभी सही लगेगा, उखाड़ के खाएंगे तो, और साग सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये है बथुआ, देख सकते हैं आप, ये बथुआ है, और इसमें जो है हम थोड़ा सरसों का साग भी मिला लेते हैं, ये सरसों है ना, ये इसका छोटा छोटा जो है पौधा, ये जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये छोटा छोटा पौधा है ना इसमें, तो इसको हम इसमें मिला लेते हैं छोटा छोटा ऐसे, ये छोटा छोटा सरसों का जो पौधा है इसको भी साग में मिला के बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और फायदेमंद होता है। ये जो बथुआ का साग है इसमें अक्सर करके इस मौसम में गेहूं, सरसों और आलू इसमें ये आसानी से मिल जाता है ये गाँव में, और शहर का ये हम बात करें तो शहर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है ख़रीदने पे, यही 10-15-20 रुपया किलो आपको आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए कि इस समय सीजनी ये जो है मौसम के अनुसार ये उपलब्ध होता है हर जगह, तो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये बथुआ जो साग होता है, इसलिए कि ये बिना जो है खाद्य पदार्थ का और जो होता है, तो इसमें ज़्यादा खाद्य पदार्थ वाला नहीं रहे तो सही रहता है। तो और जिसमें जिस गेहूं में अगर दवा का उपयोग ना हुआ हो वही सही रहेगा, इसलिए कि कीटाणुनाशक दवा का उपयोग होता है वो साग आप ना बिल्कुल ना खाएं, इसलिए को सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो साग यही सब है, देखिए आप पीछे जो है देख रहे हैं कितना बढ़िया सीन लग रहा है, ये गाँव का, गाँव में ये है ये सरसों का खेत, और इधर है हमारे छोटे भाई, ये पीछे जो है हाथ में जो है थोड़ा सा बथुआ भी लिए हुए हैं, दिखाओ इधर, ये देखिए पीछे ये बथुआ भी दिखा रहे हैं, यही है बथुआ। और सब ये बोले थे अभी ना कोड़ार पूरा सब्जी के लिए मशहूर होता है, यहाँ पे देखिए ये पीछे आपको बंधा गोभी पात गोभी जो होता है ये पीछे दिख रहा है आपको, कितना बढ़िया खेत है इसका, आपको दिखा रहे हैं अभी पीछे बैक कैमरे से, और लहसुन का खेत है, और इसी में कहीं कहीं जो है साग भी बोया गया है, पालक जो होता है पालक का भी साग इसमें डाला गया है, आपको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, और उसके बाद चलते हैं आएंगे उसमें भी बथुआ का ये होता है मिलता है, और इधर देख रहे हैं तो केवल हरा भरा सब्जी का दिखेगा।
मिलेगा आपको पूरा पीछे में। और इधर कुछ लोग पेड़ पौधा भी लगाए हैं वो हरियाली के लिए, और इधर केवल आपको हरियाली हरियाली दिखेगा। तो आप देख सकते हैं पीछे का व्यू और बहुत बढ़िया दिख रहा है। और आपको कैसा दिख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और चलिए आपको पीछे से दिखा रहे हैं। इधर देखिए ये जो है यही बंधा गोभी है, देखिए कैसे इसका पौधा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह जो है इसका पत्ता ऐसे है, कितना कोमल लग रहा है। और ये आपको अंदर फूल गोभी दिख रहा है, देखिए ये फूल गोभी दिख रहा है, ये आपको देख रहा है। तो यही है, यहाँ पे लोग हर सब्जी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे लहसुन पीछे दिखाए हैं अभी आपको, और यहाँ पे कुछ और चीज़ आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये बंगला है, ये देख रहे हैं आपको कैसे ये इसका फूल आते हैं नवरात्रि में। तो उसमें इसका फलहार जो है बकला बोलते हैं, बंगला बोलते हैं जहाँ पे जिस तरह का भाषा हो, तो इसका दाल के रूप में हम यूज कर लेते हैं। और तीना का चावल होता है उसके साथ, तो इसलिए यूज करते हैं इसको। तो हर जगह यहाँ पे लोग अपने खेतों में लगाते हैं इसका। और चलिए आगे फिर चलते हैं आगे चल के। और अब और ये फसल जो है इसको जंगली जानवर आके नुकसान भी कर दे रहे हैं इस समय, इसलिए कि बंसुअर और ये सब हैं कुपड़ास लीलगाय बोलते हैं जिसको, वो सब आके गांव में ये नुकसान भी कर देते हैं बहुत ज़्यादा फसल। तो लोग कुछ किसानों को बहुत ज़्यादा बर्बादी। एक चीज़ जो और आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है जंगली जानवर आ जाते हैं, तो जंगली जानवरों को देख रेख करने के लिए जो यहाँ पे लोग हैं ये क्या बोलते हैं अपना घोपड़ी भी बनाते हैं। ये आपको पीछे दिख रहा है इधर इधर कितना मस्त, ये धान के जो पुआल होता है उसी से लोग बनाए हुए हैं बांस लगा के। और ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, ये बाबू अंदर चला गया है। तो ये लोग सोने के लिए रात में देखने के लिए और ठंड के मौसम में अंदर जाके और देख रेख करने के लिए ये बनाए हैं। और कितना बढ़िया आपको व्यू दिख रहा है ये। और इस घर को आप देखिए कैसे आप ये बनाया गया है, ये जुगाड़ सब होता है, देसी जुगाड़ लगा के लोग बनाते हैं। ये देखिए कैसे ये जो है पुआल लगा के बनाया गया है। अंदर में ये देखिए अंदर में जो है अंदर में ऐसे बनाया गया है, आप देख सकते हैं आराम से, इसमें ठंड नहीं लगेगा, आराम से लोग आके रात में यहाँ से रह के और देख रेख करते हैं पौधे अति फसल का, इसलिए कि जंगली जानवर जो है बहुत नुकसान करते हैं। और इधर देख रहे हैं आप, इधर जो है आलू का ये खेत है, आलू बोया गया है। तो ये बोल रहे हैं ना, ये जो कोड़ार बोलते हैं ये गांव का, इसमें हर सब्जी लोग लगा लेते हैं अपने अनुसार जो है, मतलब कोई सब्जी ऐसा ना हो कि इसमें ना हो रहा हो पाता है, मतलब हर सब्जी। इधर देखिए कुछ ये खेत बना के, और इसमें कितना बढ़िया खेत बनाया गया है। और इसमें कुछ साग जैसे कुछ बोया गया है, इसमें पता नहीं है लेकिन हमको लग रहा है कि साग और ये इसमें डाला गया है। तो ये देखिए आलू का खेत, ये आलू का लग, और इसको नाला जैसे बना दिया जाता है, इसी में आलू बैठेगा और इसमें से पानी जाता है, और दोनों तरफ ये ऐसे ही क्रमबद्ध इसका लाइन बनाया जाता है, और इसमें पानी आसानी से नाला बना के और इससे पटाया जाता है। देखिए इससे पानी, इसका सिंचाई इसी तरह होता है, बीचों बीच पानी जाता है और क्रमबद्ध अनुसार से ये पूरा नाला के जैसे बना के, और इसमें आलू, इसी में आलू बैठता है। अभी आलू बैठा नहीं है लेकिन इसमें आलू आपको थोड़ा सा दिखा भी रहे हैं, रुक जाइए, आलू अभी बैठा नहीं होगा अंदर, अभी आलू बैठा नहीं है लेकिन इसी में आलू होता है। और ये देख लीजिए आलू का पौधा, ये देख रहे हैं यही सब था आज, ये अपने गांव का सोचे थोड़ा सा, ये सब्जी का खेत जो होता है ये सब लोग बोते हैं, और इधर सब लोग सब्जी ही बोते हैं। कितना बढ़िया लगता है, ये फूल गोभी है, आपको फूल गोभी जो होता है, तो अभी बंदा गोभी दिखाए, ये फूल गोभी का खेत है, आप देख रहे हैं कितना दूर दूर लोग बोते हैं, बहुत ज़्यादा खेत बोते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग सब्जी का खेती करते हैं। तो
अच्छा खासा हर सब्जी मिल जाता है, और यहाँ पे सब्जी ऐसे सस्ता भी है, इसलिए कि पैदावार यहाँ पे जो है सब्जी का अच्छा है, तो इसलिए सब्जी हम लोगों को सस्ता मिल जाता है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को सब्जी कैसे मिलता है? कुछ नहीं, तो आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।